दोस्तों सिलवास या सिलवासा भारत के दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह दादरा और नगर हवेली जिले में और यह अरब सागर के तट पर स्थित है। अंग्रेजी प्रभाव के चलते सिलवास का उच्चारण अक्सर सिलवासा किया जाता है और अधिकतर लोग अब इसे सिलवासा या सिलवास कहकर ही पुकारते हैं। यहाँ पर गुजरती जनसंख्या के प्रभाव के कारण इसे सेलवास भी कहा जाता है। शहर में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित है जो सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की वसूली कराते हैं, जिस कारण शहर में करों की दर को काफी कम रखा गया है। टैक्स की कम दर के चलते हुए बहुत से उद्योग सिलवासा की ओर आकर्षित हुए और जिन्होंने इस छोटे से आदिवासी क्षेत्र को एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में बदल दिया है। हिंदी, मराठी और गुजराती शहर की प्रमुख भाषाएं हैं, साथ ही उद्योगों के कारण अंग्रेजी का प्रयोग भी बढ़ रहा है। दोस्तों भारत में जब भी प्रकृति, खूबसूरती और रोमांच से भरपूर किसी पर्यटन जगह की चर्चा होती है तो सबसे पहले दिमाग में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ही आता है, लेकिन हम भूल जाते कि इन दो राज्यों के अलावा भी ऐसे कई पर्यटन जगह जो प्रकृति, खूबसूरती और रोमांच भी इन जगहों के आगे फैले। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा की अद्भुत और अदम्य खूबसूरती देखकर आपको यहां से वापस घर लौटने के लिए हजार बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर सिलवासा शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए यहां पर कई प्रमुख जगह है जो आपके मन को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों भारत के अद्भुत शहर सिलवासा में घूमने की बात करें तो यहाँ पर घूमने के लिए स्वामी नारायण मंदिर, नक्षत्र वाटिका, सिलवासा संग्रहालय, रोमन कैथोलिक चर्च, वान गंगा झील, साथ ही खानेवाल और हिरवा वन झील जो कि यहाँ पर घूमने की सबसे बेहतरीन जगह है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर खाने के स्वाद की बात करें तो आपको सिलवासा या दादरा और नगर हवेली आदिवासी व्यंजनों का अच्छा स्वाद सिलवासा के होटलों और दादरा और नगर हवेली के बाकी हिस्सों में भी मिलेगा। उबडियो एक मिट्टी के बर्तन में विशेष जड़ी बूटियों के साथ पकाई गई सब्जियों और बीन्स का मिश्रण है तथा गुजराती उंधियो का स्थानीय संस्करण है। दोस्तों यदि आप कभी सिलवासा जाए तो इस पकवान का स्वाद जरूर लें। दोस्तों इसी के चलते हुए भारत के अद्भुत शहर सिलवासा से जुड़ी अद्भुत तथा रोचक जानकारी थी। साथ ही आपको सिलवासा के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें।